हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गाइस क्या आपके पास रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G डिवाइस, आप सभी लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि हमारा मोबाइल नया है, लेटेस्ट है, बट हमारे डिवाइस में अभी भी हाइपर OS है एंड एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट है, वो देखने के लिए नहीं मिला है, कब मिलेगा एंड हमें अभी भी नहीं मिला है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आपकी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, जो कि मैंने अभी एक दो दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि जो मार्च में आपको अपडेट मिलने वाला है रेडमी की नोट 12 सीरीज़ में और रेडमी की 13 सीरीज़ में एंड्रॉइड 14 और हाइपर OS का अपडेट मिल जाएगा। एंड फाइनली जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ था एंड दो तीन दिन हुए हैं और आज है आपको हाइपर OS की इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G के लिए। एंड रेडमी नोट 13 प्रो और जो नॉर्मली रेडमी नोट 13 5G है उनमें भी काफ़ी जल्दी आ जाएगा। मार्च का मंथ अभी पूरा डला है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको भी बहुत ही जल्दी देखने ही मिल जाएगा। बात करते हैं आपको अपडेट है कौन सा मिलता है, कौन कौन से फीचर मिलते हैं, तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंड उससे पहले आपको एक बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो Xiaomi का हाइपर OS है, वो देखने मिल जाता है। एंड इसका बिल्ड नंबर है 1.0.3.0 का, आपको देखने की मिल जाएगा बिल्ड नंबर। एंड साथ की बात करें 5.6 MB का साइज है, जो कि 5500 GB से भी बड़ा अपडेट है। एंड आप डाटा का इंतजाम पहले ही कर लेना, सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी आपका अपडेट है वो स्लो होता है ना, या आप बीच में रोक देते हो या रुक जाता है डाटा खत्म होने के बाद, तो बहुत सारे मोबाइल में इशू आ जाते हैं, जैसे कि मोबाइल लैग वगैरह होने लगता है। तो अपना अपडेट ऐसी जगह करना जहां 5G नेटवर्क हो, या तो फ्री हो जाएगा आपका मोबाइल ताकि आराम से अच्छी तरह से एक ही बार में अपडेट हो सके, या आप इंटरनेट का इंतजाम कर लेना, कहीं कहीं 5G की सर्विस नहीं आई है, आप ऐसे एरिया में हो तो मतलब 6-7 हज़ार MB ऑलरेडी अपने मोबाइल में रखना, ताकि आपका अपडेट एक ही बार में स्टेबल तरीके से हो सके, कोई बग वगैरह ना देखने मिले। एंड चेंजेस की बात करें, अपडेट एंड सिक्योरिटी पैच है वो फरवरी का देखने मिल जाता है, तो आप एक लेटेस्ट अपडेट मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है काफ़ी बड़ा अपडेट है हाइपर OS के साथ साथ एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी बड़ा अपडेट होना था। तो 5500 MB से भी ज़्यादा का अपडेट है, तो आपको आराम से करना है, कोई भी डाटा वगैरह का प्रॉब्लम है तो डाटा पहले से रखना। एंड चेंजेस की बात करें, काफ़ी सारे चेंजेस हैं, बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाइपर OS के साथ साथ आपको एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप चेकआउट कर सकते हो, आपको अपडेट है वो शो जाएगा, बताया जा रहा है, पब्लिकली रोल आउट हो चुका है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, पता नहीं ये पब्लिक कब तक है, एंड ये अभी फुल्ली रोल आउट नहीं हुआ है, तो जिनको नहीं शो हो रहा है तो कभी भी देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, 1 वीक का वेट करो, फुल्ली रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, सभी के जो अबाउट फोन है उसमें शो होने लगेगा, कभी हटेगा नहीं, फिर जैसे ही पब्लिकली रोल आउट हो जाएगा यानी फुल्ली रोल आउट हो जाएगा वैसे ही, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। एंड आपको जाना हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, आपको पता है कोई अपडेट या मी पायलट या पब्लिक होता है तो वहाँ पर हम सबसे पहले दे देते हैं, ताकि आप अपडेट चेक कर पाओ तुरंत ही अपने डिवाइस में। आपको पता है वीडियो बनाने में और अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, यही रीज़न होता है। यहाँ पर देख सकते हो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G की रिक्वरी लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ एंड स्क्रीन शॉट है वो भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप चाहते हो रिक्वरी लिंक से अपडेट कर पाओगे अपने मोबाइल को। बट एक चीज़ की रिकमेंडेशन करना चाहूँगा, प्लीज़ आपको हो सकता है आपने ये फर्स्ट टाइम फ़ोन लिया हो रेडमी का, आपको पता है फ्यूचर जो पहले फ़ोन जो थे रेडमी के काफ़ी ज़्यादा डेड हो चुके हैं, एंड जो फ्यूचर है इनका आने वाला समय है, कोई मोबाइल में परेशानी ना हो, इसलिए हाइपर OS लेके आए हैं ताकि आपको कोई इशू ना मिले। बट जब तक ये फुल्ली रोल आउट नहीं हो जाता और सभी अपडेट नहीं कर लेते एंड आपको मालूम पड़ जाए इस अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मोबाइल चलाने में स्लो वगैरह महसूस नहीं हो रहा है, कैमरा क्वालिटी डाउन नहीं हो रही है, तो ही अपडेट करना आराम से, वरना अभी स्टेबल होने तक रुक जाओ। जब सभी लोग कर लेंगे एंड आपको लगे कि अपडेट है सही है करना चाहिए, तभी आप अपडेट करना, प्लीज़ वेट करना। और रिकवरी लिंक से बिल्कुल मत करना, जब भी आप रिकवरी लिंक से अपडेट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बग एंड वायरस आ जाते हैं और काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं, तो जब तक स्टेबल नहीं होता पब्लिक फुली रोल आउट हो जाएगा आपके डिवाइस में आ जाएगा, तब आप अपडेट करना। दूसरी बात, तभी भी आप 1 वीक का वेट कर लेना, तब आपको फुली यहाँ पर आपके स्टेबल हो जाएगा, आपके डिवाइस में अबाउट फोन में शो हो जाएगा, तब आप बिल्कुल ईजिली तरीके से कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G में आपको अपडेट है वो देखने मिल जाता है, पब्लिक हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ फुली रोल आउट होने तक वेट करो एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जैसे फुली रोल आउट होगा आपके डिवाइस में शो हो जाएगा परमानेंटली एंड हम आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको चाहिए कि इसमें कौन कौन से नए फीचर आने वाले हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा।